हे गाइस, तो स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं अभी सो के उठा हूँ। वो भी मैं वो अभी उठने वाला नहीं था, मम्मी ने उठाया है। तो उसका रीज़न है, ये देख सकते हैं, धान जो है मेरा रूम में मतलब पसार के रखी है। ये वो धान नहीं है, उबला हुआ धान है, इसको उबालने के बाद पसारा जाता है। तो सिर्फ मेरा रूम में इतना ही दूर मैं बोला था देने के लिए, इधर नहीं देने के लिए बोला था। और जो है बगल वाला रूम में, बरामदा में, हर जगह पसार के रखी है। तो उठाने का रीज़न था कि धान को जो है सुबह शाम चलाना होता है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा पसारना होता है, नहीं तो धान ख़राब हो जाता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ धान कहाँ कहाँ पे किस तरह से रखा है। बगल वाला रूम में पंखा भी चल रहा है, और ठंडा के टाइम में पंखा चल रहा है। कारण ये था कि कल उबाला धान तो वो जो था थोड़ा गर्म था, ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा हवा भी लगना चाहिए। तो रूम थोड़ा पैक है, उसमें खिड़की मतलब बाहर साइड से नहीं है, तो इसलिए उसमें पंखा चल रहा है। तो चलिए दिखाता हूँ। और गुलाब का जो फूल लगाया था वो भी लग गया है। और खलिहान में थोड़ा एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग को उसको जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। तो अगर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे। चलते हैं, अब थोड़ा मैं इधर दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा फूल जो लगाया था वहाँ पर जाना है, पानी भी देना है, ठीक है। तो चलिए लेके चलता हूँ, अब सुबह तो निकलना ही पड़ेगा ठंड के कारण। देख रहे, मैंने सिर्फ टोपी माथे पे ढक लिया है। तो पहले स्टार्ट यहाँ से करते, ठीक है। ये बरामदा पहुँच गए, ये देख सकते पूरा इधर, इसी रूम में पंखा चल रहा है, अंधेरा है, दिख नहीं रहा, लाइट नहीं है भाई यहाँ पे। और इधर यही चूल्हा में जो है धान को उबाला गया है, और ये है कढ़ाई। क्या रे, ओ सुबह सुबह पढ़ने चल दी, वाह ये तो बहुत पढ़ाकू लड़की आज से निकल गई है। तो चलते हैं, पहुंच गए हैं बारी, चलिए दिखाता हूँ। बाप रे, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है बाहर। सुबह सुबह थोड़ा हरियाली देख लीजिए आप लोग भी, हरा भरा हमारा गांव रहे। और वो हरा भरा बनाने का जिम्मा हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये है पुमाल, पूरा इसका बात कर रहा था। रुमाल को मतलब ऊपर रखा जाता है कुछ, और उसके नीचे आराम से घुस के बैठ जाओ, गर्मी लगेगा पूरा। दिखा देता हूँ, दो फायदा होता है इसका। एक कि ऊपर रुमाल रह गया, नीचे बैल बांध दो, बकरी बांध दो। अभी जैसे अभी ठंडा का टाइम है, तो जब गर्मी टाइम आएगा तो छाया का छाया भी रहेगा, और यहीं से रुमाल उतारो और बैल को दे दो, तो इसलिए इसको बनाया जाता है। क्या हो गया यार, हेलो हेलो, हाँ सही हुआ। तो चलिए लेके चलता हूँ, जो गुलाब का फूल लगाया था उसमें पानी डालता हूँ, ठीक है। पहले तो ये रहा, पहुँच गए, और अब दिखाता हूँ बैक कैमरा से, ठीक है। ये रहा, देख सकते लग गया, इसमें टहनी भी आ गया है, इसमें भी आ गया है, और ई भी लग गया है, पत्ता हरा हरा हो गया पूरा, इसमें देख सकते हैं। और ये नहीं लगा शायद, पता नहीं, अभी भी इसमें टाइम है लगने का। तो इसमें भी देख सकते हैं, ये भी, ये मतलब सारा कबाड़ के फेंक दिया था मम्मी ने, फेंक दी थी मतलब पैर के नीचे से। तो इसमें थोड़ा पानी दे देता हूँ, ठीक है, भीगा हुआ है बट फिर दे नहीं पाता हूँ, तो सुबह सुबह पानी दे देता हूँ, उसके बाद फिर दिन भर निफिकिर। और ये केला का पेड़, और एक यहाँ पे छोटा सा केला का पेड़ निकल रहा है। तो चलते हैं, पानी देता हूँ, मग कहाँ गया, अरे बाबा इसी में तो मग है। पानी बड़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। Thank you.
एक मग और दे देता हूँ। ये कप पानी ज़्यादा ठंडा था। लगाया, मेहनत काम आया, फूल जो था वो लग गया। ठीक है, रख दिया। क्या रे, मुँह धोने आ गया? तो पानी उनी सारा चीज़ डाल दिया। और जब फूल कुछ कोई चीज़ आप लोग लगाते हैं और वो लग जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो गुलाब का फूल लगाया, वो लग गया है। ठीक है, अब गमला का मतलब गमला वाला इधर आता नहीं है, नहीं तो गमला में मैं लगा के सीधा छत पर रख देता। तो अभी देखता हूँ, थोड़ा दिन यहीं रहने देता हूँ, फिर गमला जब लूँगा तो गमला में लगा दूँगा। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस सोचा कि थोड़ा आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। मैं भी थोड़ा अपडेट रहूँगा क्योंकि कहीं जा नहीं पाता हूँ अभी। ठीक है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कुछ मतलब वीडियो उस तरह का मैं नहीं ला पा रहा हूँ। तो फिर मैं कहीं निकलूँगा जब जाऊँगा, काम थोड़ा मोड़ा इधर भी हो जाता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाया करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल एक बार और दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से है खलिहान का भी नज़ारा। ठीक है, ये पूरा खाली होगा तब थोड़ा यहाँ पे क्रिकेट उर्केट खेलने में मज़ा आएगा बच्चों के साथ में। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।